नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर वीडियो कैसे डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार सर्च किया होगा तो देखते होंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन में कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जो लोग वीडियो बनाते हैं वो लोग कैसे बनाते हैं। मैं आज उसका पूरा सेटिंग करके बताऊंगा कि आप लोग भी ऐसा वीडियो बना के आप लोग चाहें तो अपने YouTube पे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और बताता हूं कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर आप लोग सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको पहले इंस्टॉल करें। और देख सकते हैं इसका 50 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुका है और इसके रेटिंग भी बहुत ही अच्छा है, जो कि 4.5 है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्ले स्टोर में आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना इंस्टॉल करेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसका रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखाएगा कि यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे इमेज है, जो कि आप लोग जो भी कैप्चर करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाएगा। तो चलते हैं हम लोग सेटिंग के ऑप्शन पे। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप रेजुलेशन आप लोग देख सकते हैं। मैं 1066x480 का रेजुलेशन रखा हूँ, तो आप लोग भी इतना रख सकते हैं या आप लोग उससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं, तो आप लोग अपने अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे बिटरेट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग ऑटो ही रहने दीजिएगा। तो और उसके बाद यहाँ फ्रेम रेट भी मैंने ऑटो रखा है। आप लोग चाहें तो 50, 30 या कुछ भी रख सकते हैं, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओरिएंटेशन पे जाएंगे। इसको आप लैंडस्केप के मोड में करना चाहते हैं या पोर्टेबल करना चाहते हैं। टाइम टेबल जो कि अभी मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है उसी ऐप से, तो यहाँ पे टाइम टेबल शो नहीं करेगा वीडियो स्पीड या कम करने के लिए। तो आप लोग यहाँ से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आ गया रिकॉर्ड ऑडियो, यहाँ पर आप लोग इसको ऑन ही रखना है, क्योंकि आप लोग जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर आप लोग को ऑन रखना है ताकि आपका ऑडियो सुनाई दे। यहाँ पे आप लोग और उसके बाद यहाँ पे है हाइड द रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लोग चाहें तो ये इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करने से क्या होगा कि आप लोग का जो भी रिकॉर्ड होगा वो हाइड हो जाएगा, वो किसी को दिखेगा नहीं और उसका रिकॉर्डिंग होता रहेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा है कि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आपका हाइड हो जाएगा। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे, रिकॉर्डिंग हाइड करना है या आपको चालू रखना है। बताते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद आप लोग काउंटडाउन जो शुरू होता है, जो 3 सेकंड का होता है, जो कि 1, 2, 3 करके आता है, आप लोग यहाँ पे जितना सेकंड चाहें उतना सेकंड आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 3 सेकंड ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट। आप लोग जो भी स्क्रीनशॉट वीडियो शूट करते समय आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वहाँ से आप लोग इसको ऑन करेंगे तो आपके सामने ऐसा कैमरा वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने इमेज में यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, उसके बाद है कैमरा। आप लोग वीडियो शूट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को कैमरा का ऑप्शन देता है कि कैमरे के फेस के साथ साथ आप लोग का वीडियो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होता रहे। तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। देखिए, मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ तो जो मेरा भी अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे करके रख सकते हैं। तो मैं इसे फ़िलहाल अभी बंद कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्रश का ऑप्शन आ रहा है, जो कि देख सकते हैं कि ब्रश, इसको आप चाहें तो इसको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इसको हटा सकते हैं या रख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। इसको क्लिक करेंगे आप लोग जो भी कुछ समझाना चाहते हैं वहाँ आप लोग ऐसे लिख देंगे तो ये आप लोग का इस पर शो करेगा। जो एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो लोग कुछ समझाते हैं अपने वीडियो पर, उसके लिए आप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसको फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना टेक्स्ट एंड लोगो, जो कि अपना स्क्रीन पे टेक्स्ट और लोगो का ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो कि टेक्स्ट लिखेंगे और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता रहेगा और टेक्स्ट भी दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैं शो टेक्स्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग अपना नाम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से अपना और पूरा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग है, जो कि आप लोग धीरे धीरे इसमें पूरा चीज़ जान जाएंगे। जो जो मेन सेटिंग था वो मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।